डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ है, क्लास सिक्स का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 7.2। तो इसके पहले का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे वन नंबर में दिया हुआ है, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। एक नंबर लाइन खींचना है और ये सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं इसको शो करना है, फिर इसको शो करना है, और इस तरह से ए बी सी तीन क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये नंबर लाइन जो है यहाँ पे, इसमें जीरो यहाँ देते हैं, जीरो, और यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखेंगे, सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है उसको उतना पार्ट बनाना है, मतलब वन यहाँ रहेगा। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से अगर कोई बड़ा नंबर है तो वन से ज़्यादा जाएगा, अगर डिनोमिनेटर के इक्वल या फिर बड़ा उससे छोटा है तो फिर वन से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, ये जो है नीचे फोर दिया हुआ है, नीचे फोर है सबसे ज़्यादा, तो इसको फोर पार्ट में डिवाइड करना है, जीरो से वन के बीच में फोर पार्ट में डिवाइड करना है। और अगर सभी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो फिर दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम सेम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, तो इसको सेम कर लेते हैं। यहाँ पर वन बाई टू दिया हुआ है, अगर हम इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, टू बाई फोर हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ भी फोर और बाकी सब फोर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना रहता है उतना भाग में इक्वली ये डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे फोर भाग में इक्वली डिवाइड कर दिए हैं। अब दिखाना है, जैसे कि दिखाना है सबसे फर्स्ट में इसको दिखाना है, इसको मतलब ये दिखाना है, टू फोर मतलब ऊपर में जितना है उतना हम चाल चलेंगे, वन टू मतलब कितना हो गया, टू बाई फोर यहाँ हो गया, टू बाई फोर ये हो गया। इसको यहाँ पर दिखा दिए, इसको हम यहाँ एरो लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वन बाई फोर है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है तो वन, तो वन कहाँ मिला, जीरो से यहाँ चले वन, तो यहाँ हो गया वन बाई फोर, ये हो गया वन बाई फोर, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। उसके बाद थ्री, थ्री बार चलना है तो वन टू थ्री, थ्री यहाँ हो गया थ्री बाई फोर, ये हो गया, यहाँ पे एरो लगा दिया। और फोर बाई फोर, तो फोर बार चलेंगे मतलब वन पे पहुँचेंगे, इसको अगर फोर फोर को काटा जाए तो वन आएगा, दूसरी तरह से फोर बाई फोर का मतलब होता है वन, तो यहाँ पे हम फोर बाई फोर को शो कर देंगे, यहाँ पे हो गया और ये एरो हो गया। इसी तरह से बी नंबर में भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में सभी डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए इसको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है और इसको दिखाना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से कोई भी नंबर ऊपर वाला नंबरेटर जो है बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ वन से ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है, तो इसीलिए, और नीचे वाला जो है उसको एट पार्ट में डिवाइड करना है, जीरो से वन तक जो है एट पार्ट डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ले लिया है, यहाँ पर रखते हैं जीरो, तो यहाँ पर जीरो रखें और यहाँ पर इसमें इक्वली डिवाइड किया हुआ है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये ज़्यादा है, घर ज़्यादा रखा है मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो हम लोगों को नाइन पे नहीं जाना है, एट पे जाना है, तो यहाँ पे वन लगाते हैं, ये एट घर हो गया। तो एट घर लगाने के लिए यहाँ पे जीरो और ये वन का जो पॉइंट है इसके अंदर में सेवन डॉट्स लगाना पड़ता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगर आप सेवन खींचते हैं तो क्या होगा कि यहाँ एट घर बन जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एट घर हो गया। अब यहाँ पे दिखाना फर्स्ट में वन, वन बाय एट, तो वन एक बार चलेंगे वन, तो यही है वन बाय एट, तो यहाँ पे लिख देते हैं वन बाय एट, ये हो गया, इसको एरो लगा देते हैं। उसके बाद कितना चलना है, टू बाय एट, तो यहाँ आ जाएगा वन के बाद टू, टू बाय एट ये हो गया, यहाँ एरो लगा देते हैं। उसके बाद थ्री बाय एट हो गया, तो यहाँ थ्री बाय एट सीरियल नंबर से दिया हुआ है, थ्री बाय एट, तो यहाँ एक एरो लगा देते हैं। अब इसके आगे सीरियल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कितना बार में दिया हुआ है, सेवन बार में, तो ये थ्री हो गया, फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका मतलब कि सेवन बाई एट यहाँ हो जाएगा, सेवन बाय एट ये हो गया, यहाँ पे एरो लगा देते हैं। तो इस तरह से ये बी नंबर का हम लोग शो कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे इसको इस तरह से एरो कर देना है, लाइन का मतलब होता है कि ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा। और सी नंबर भी इस तरह का दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर सी, और इसका डिनोमिनेटर सारा का सारा सेम है, फाइव है, तो यहाँ पे आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा नोमिनेटर इसका दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये वन से ज़्यादा जाएगा, इसमें टू तक जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लिए हैं, अब यहाँ से जीरो लेते हैं और इक्वली इसको डिवाइड किया हुआ है, तो फाइव घर बनाना है आपको, फाइव दिया हुआ है तो फाइव घर, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यहाँ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वन हो जाएगा, और फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यहाँ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ टू हो जाएगा। इसके आगे हम लोग नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ये यह हो गया।
अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2/5, तो यहाँ से चलना होगा 1, 2, 2, तो यहाँ पे हो गया 2/5, ये हो गया। यहाँ पे इसको एरो से दिखा देंगे, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मतलब यहाँ इक्वली 5 डिवाइड है और यहाँ भी इक्वली 5 डिवाइड है। अब सब जितना भी जाएगा उतना इक्वली 5 डिवाइड होते जाएगा, तो हमको आवश्यकता जितना है उतना ही हम लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 यहाँ पे 2 के बाद 3 आ गया, तो ये 3/5 ये हो गया, इसको एरो से दिखा देंगे। उसके बाद 8/5, तो यहाँ पे 5/5 में 1 आएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/5 यहाँ हो जाएगा 8/5, ये हो गया, इसको एरो दिखा देंगे। उसके बाद 4/5, तो 5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि 1 से इधर रहेगा, 4 यहाँ हो रहा है, 3 यहाँ है तो 4 यहाँ होगा, तो 4/5। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, नंबर लाइन पे ये आ गया।